अरब सागर में उठे तूफान निसर्ग को लेकर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक दे सकता है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली में अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, किसी के साथ में वसई तहसीलदार किरण सुरवसे ने बताया कि कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी घर बनाए गए हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा अब राजस्थान में भी मंडराने लगा है। जी हां, मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, कोटा और झालावाड़ सहित 10 से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने तूफान निसर्ग का असर मानसून पर पड़ने की भी आशंका जाहिर कर दी है। में जो कम दबाव का क्षेत्र था वो निसर्ग साइक्लोन करके तैयार हो गया है। अगले 12 घंटों में यह सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म करके होगा। अब गोवा से ये 280 किलोमीटर दूर है, मुंबई से 430 किलोमीटर दूर है। यह पूरे अगले 12 घंटों में सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म करके होगा और ये दमन और हरिहरेश्वर के बीच में 3 जून के दोपहर तक अलीबाग के पास में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से क्रॉस करने की संभावना है। इसमें चलते विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर हो सकते हैं, कभी कभार वो 120 तक पहुंच सकते हैं। अरब सागर से उठा तूफान निसर्ग अब राजस्थान में दस्तक देता दिखाई दे रहा है। यहां 3 जून को गुजरात के तटीय क्षेत्र से टकराने जा रहा तूफान निसर्ग अब राजस्थान में दस्तक देगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि यदि भारतीय मौसम विभाग की मानी जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन समेत कई इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके लिए एहतियात के तौर पर करीब 23 NDRF की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि यदि बात राजस्थान की कर जाए तो राजस्थान मौसम विभाग ने अगली 3, 4, 5 तारीख के लिए राजस्थान में अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके चलते झालावाड़, उदयपुर, कोटा सहित करीब 10 से अधिक जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया हुआ है। मैं कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV न्यूज, जयपुर।